हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी गुणकारी औषधि के बारे में बताऊंगा जिसको जिसके प्रयोग को जानकर आप 100% फ़ायदा उठा सकते हैं और आजकल के जो होने वाले बहुत से रोगों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बेल आप देख रहे हैं, ये उतरन की बेल है। इसको आप कैसे पहचान सकते हैं, उसके पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और नई नई जानकारियाँ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ये उत्तरन की बेल है, इसको मेंडासिंगी सागौनी भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से बरसात के सीजन में उगती है और वैसे तो वर्ष भर में ये कहीं कहीं देखने को मिलती है। इसके दो सींग से होते हैं जिसके कारण इसको मेंडासिंगी भी कहा जाता है। तो ये जो औषधि है, इसके बहुत से आयुर्वेदिक प्रयोग हैं और ये बहुत गुणकारी औषधि है। ये कहीं आपको रोड के किनारे, झाड़ियों में, खाली पड़े मैदानों में देखने को मिल सकती है। ये पान के पत्तों की तरह इसके पत्ते होते हैं और इन पत्तों को जब आप तोड़ेंगे तो इन पत्तों में से दूध निकलेगा सफ़ेद रंग का। उस दूध के बहुत ही गुणकारी प्रयोग हैं, बहुत अच्छे प्रयोग हैं, उनको करिए और फ़ायदा उठाइए। फ्रेंड्स, ये बवासीर जिनको हो जाती है, खूनी बवासीर, उसमें ये बहुत काम आता है। उसमें आपको क्या करना है, पत्तों को उबाल कर, इसके पत्तों तोड़ लेने हैं, उसको उबाल करके आपने काढ़ा बना लेना है। उस काढ़े को आपने पीना है और इसके पत्ते को पीस कर आपने इसकी चटनी सी बना लेनी है। उसको पीस कर, रगड़ कर, उसको जहाँ पर बवासीर के मस्से हैं उन पर लगाना है। तो आपको जो ये खूनी बवासीर की समस्या है, बवासीर की जो भी समस्या है, उसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। आप प्रयोग करके देखें और इससे फ़ायदा उठाएं, दूसरों को भी बताएं। इसका दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। दूसरा प्रयोग ये है कि ये जिनको जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, उसमें श्वास का रोग है, कफ का रोग है, पेट के कीड़े हो गए हैं, उन में ये बहुत काम की औषधि है। इसमें आपके इसको पत्तों का रस निकाल करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर आप पीते हैं, पत्तों का रस निकाल करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसको लीजिए, श्वास रोग में, कफ रोग में ये बहुत फ़ायदा करता है। आप इसको प्रयोग करके देखिए। जोड़ों के और घुटनों के दर्द में आप इसको पत्तों को इसके पत्तों को पीस करके उसका पेस्ट बना करके लगा सकते हैं। उसमें ये आपको 100% फ़ायदा करेगा बिना पैसे की, और बहुत ही कारगर औषधि है। आप प्रयोग करके देखिए। तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है इसका, वो है बुखार में। इसको बुखार का दुश्मन कहा जाता है। अगर आपको कहीं कोई औषधि ना मिले तो इसको प्रयोग करके देखिए। आपका बुखार जिनको हो जाता है और उतरता नहीं है, उसमें बुखार उतारने की ये बहुत ही काम की औषधि है। इसको कैसे प्रयोग करना है, इसको पीस कर हाथ पैरों में, तलुओं में, हाथ पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें लगाइए, आपका बुखार डेफिनेटली उतरेगा। बहुत काम की औषधि है, आप इसको प्रयोग करिए, लगाइए और फिर देखिए आपका बुखार उतरता है और ठीक हो जाता है। चौथा इसका प्रयोग है पीलिया में। जिन लोगों को पीलिया हो गया है, पीलिया में खून नहीं बनता और बहुत सी परेशानियाँ हो जाती है और शरीर बिल्कुल ही डल हो जाता है, तो पीलिया रोग में आपको इसके पत्तों का रस थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीना है। इसका रस निकाल लें पत्तों का और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीना है, तो आपको जो पीलिया रोग है उसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। आप इसको लीजिए और रोग को दूर करिए और दूसरों को भी बताइए। पांचवा रोग जो है ये इसका ये है कि पांचवा
प्रयोग ये मैं बताऊंगा। खुजली, दाद खाज खुजली, कैसी भी दाद खाज खुजली हो, कैसा भी आपको दाद हो, इसको लगाइए। इसका जो ये पेस्ट भी लगा सकते हैं, इसका दूध लगाइए, 100% डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेगा। ये आजमाया प्रयोग है, आप इसके इसके जो रस का प्रयोग करके देखिए, आप ये कहेंगे कि किसी ने आपको दवा बताई थी। आप इसके पत्तों का, इसके जो दूध है उसको लगाइए, जहाँ पर आपको चाहे जख्म हो गया हो, चाहे कैसी भी खुजली हो, दाद खाज खुजली जो भी हो, 100% फ़ायदा करेगा। आप इसको प्रयोग करके देखिए और दूसरों को भी बताइए, फ़ायदा उठाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी मिल सके।